नमस्कार, मैं गौरी, देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी भिलाई की। यहाँ पत्रकार कल्याण महासंघ छत्तीसगढ़ दुर्ग इकाई और राजद गांव इकाई की कार्यकारिणी घोषित की गई। साथ ही बात होगी गोंडा की। यहाँ एक युवक का शव मिला और जांच में जुटी पुलिस। बताएंगे कैसे महाराजगंज में कोल्हुई थाना परिसर में युवक ने धारदार ब्लेड से गला रेत कर की आत्महत्या का प्रयास। पुलिस के छूटे पसीने। तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर भिलाई से, जहां पत्रकार कल्याण महासंघ छत्तीसगढ़ की दुर्ग इकाई की बैठक सोमवार को इंडियन कॉफी हाउस सिविक सेंटर में हुई, जिसमें पत्रकार कल्याण महासंघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष सेवक दास दीवान का आगमन भिलाई हुआ। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष के साथ जिलाध्यक्ष दुर्ग इकाई हनु नायक व जिला महासचिव दुर्ग गीतेश्वरी बघेल एवं दुर्ग इकाई की अनुशंसा पर जिला महासचिव खिलेश्वरी को पद पर नियुक्त पत्र प्रदान किया गया। इसी प्रकार राजनांदगांव जिला अध्यक्ष के पद पर सौरभ ताम्रकार को प्रदेश अध्यक्ष सेवक दास दीवान द्वारा नियुक्ति पत्र देकर उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। साथ ही पत्रकारों को संगठन की मजबूती व जिम्मेदारी का निर्माण दिया गया। जी, दुर्ग जिले में आना हुआ है, दुर्ग जिले में कुछ लोगों के पदभार भी हुआ है, क्या कुछ कार्यक्रम रखा गया था? पत्रकार कल्याण महासंघ छत्तीसगढ़ का लगातार हमारा कार्यक्रम हो रहा है विभिन्न जिलों में। चूंकि एक मैं पारिवारिक कार्यक्रम में आया था और यहाँ के आकस्मिक बैठक दुर्ग जिला इकाई का रखा गया था और उस बैठक में पत्रकारों से संबंधित पत्रकारों के हितों और सुरक्षा को लेकर के पत्रकार कल्याण महासंघ छत्तीसगढ़ प्रतिबद्ध है, संकल्पित है। और दुर्ग जिला इकाई का जिला सह सचिव पद पर खिलेश्वरी ढालेंद्र को हमने नियुक्त किया है और साथ ही साथ राजनांदगांव के जिला अध्यक्ष के रूप में हमारे पत्रकार साथी सौरभ ताम्रकर को नियुक्त किया गया है। और हम उम्मीद करते हैं कि संगठन को मजबूत बनाने में और उसको आगे ले जाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। संगठन के दायित्व क्या है? संगठन का दायित्व है सौरभ ताम्रकार, जिला अध्यक्ष राजनांदगांव। शुभ राम जी, आपका शुभ राम को पद बता देंगे। सेवक दास दीवान, प्रदेश अध्यक्ष पत्रकार कल्याण महासंघ छत्तीसगढ़। मिलाई से सी न्यूज संवाददाता जस्सू की रिपोर्ट। खबर जनपद फतेहपुर से, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में दो बदमाश हुए घायल, तीसरे बदमाश को पुलिस ने दौड़ाकर गिरफ्तार कर लिया। मामला थाना सुल्तानपुर घोष क्षेत्र का है, जहां 25 मई को तीन बाइक सवार लुटेरों ने आरामपुर बसई मोड़, जहां ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक कमलेश पटेल से 1,25,000 की लूट हुई थी। आज सुबह 5 बजे मधुकरी आश्रम नौबस्ता पुलिस चौकी क्षेत्र के पास गोलियों की गड़गड़ाहट से लोगों की नींद खुल गई, लोग घरों से भागे। ये क्या हुआ, पता चला कि पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है, जिसमें दो बदमाशों के पैरों में गोली लगी है। बदमाशों के पास से लूट के 73,500 रुपये के साथ तमंचा और कारतूस भी बरामद हुआ है। आपको बताते चले कि जनपद फतेहपुर में लूट के 4 दिनों में 4 बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। आज दिनांक 28 मई को सुबह लगभग 5 बजे नौबस्ता ऊंचाहार रोड पर थाना सुल्तानपुर घोष पुलिस और बदमाशों के बीच में हुई मुठभेड़ में दो बदमाश घायल हुए और एक बदमाश फरार हुआ, जिसको दौड़ाकर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। उक्त अपराधियों के द्वारा दिनांक 25 मई को सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्रांतर्गत वीसी संचालक से लूट की गई थी। लूटे गए माल में से 73,500 रुपये, लूटा गया बैग व अन्य कागजात पुलिस के द्वारा बरामद किए गए हैं। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व अवैध असलहे व कारतूस भी पुलिस के द्वारा बरामद किए गए हैं। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता शहनशाह आब्दी की रिपोर्ट। खबर गोंडा जिले से, जहां मंगलवार को आज सुबह लगभग 9 बजे सड़क के किनारे एक युवक संदिग्ध अवस्था में पड़ा मिला था। गांव के लोगों ने देखा, पुलिस को सूचना दी गई। ताजा मामला थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत लालपुर चंद्रभान समय माता मंदिर जाने वाले रोड के किनारे अज्ञात युवक लगभग 30 वर्ष पड़े थे। प्रधान प्रतिनिधि ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर सीपीएम चौकी इंचार्ज नगर कोतवाल राजेश सिंह, सीओ सदर विनय कुमार सिंह एवं अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी मनोज कुमार रावत, साथ में फॉरेंसिक टीम पहुंची। घटना की जांच कर रहे, युवक के आंख पर चोट के निशान है। गांव के आसपास के लोग पहचान नहीं हो पाई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा करके पीएम के लिए भेज दिया है। आशंका जताई जा रही है किसी ने हत्या करके शव को लाकर यहाँ फेंक दिया है। क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। गोड्डा से सी न्यूज संवाददाता मुजीब आलम की रिपोर्ट।
खबर जयपुर से, जहां बता दें कि हाथ में जूते लिए नंगे पैर धोती ऊपर कर नाला पार कर रहे राजस्थान के कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी। जानकारी के मुताबिक खराड़ी इस दौरान कोटरा ब्लॉक के नयावास पंचायत के हड़मत फला गांव में अपने कार्यकर्ता के यहां शोक व्यक्त करने गए थे। खराड़ी जिस इलाके में चल रहे हैं वो आदिवासी बाहुल्य है। आज़ादी के बाद से अब यहाँ सड़क और मूलभूत सुविधाएँ तक नहीं पहुँची हैं। बता दें कि इसके अलावा इलाका वन क्षेत्र से घिरा है, तो सड़क बनाने में कई तकनीकी पेंच भी हैं और एक सवाल आदिवासी किसकी ही प्राथमिकताओं में है। खराड़ी सबसे उम्मीद है कि जिस इलाके से वो आते हैं वहां के कायापलट की कवायद शुरू होगी। जयपुर से सीनियर संवाददाता भगवान दास शर्मा की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के कोलोही थाना परिसर का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहाँ कोलोही कस्बा निवासी एक युवक ने अपना गला परिसर के अंदर रेत दिया और लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गया, जिससे मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों में भगदड़ मच गई। घायल अवस्था में युवक को मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दीपक बद्धेशिया पुत्र लालचंद सोमवार को उसकी पत्नी से विवाद हो गया था, जिसके बाद पत्नी व ससुराल पक्ष के लोग थाने में तहरीर दिए। शिकायत पर युवक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान युवक ने मौजूद पुलिसकर्मियों के सामने ही अपना गला काट लिया, जिसके बाद आनन फानन में पुलिसकर्मियों ने युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लक्ष्मीपुर में भर्ती कराया। हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने जिला अस्पताल महाराजगंज रेफर कर दिया। हालत ना सुधरता देख डॉक्टरों ने गोरखपुर मेडिकल अस्पताल रेफर कर दिया। युवक के पिता लालचंद ने बताया कि वो दवा कराने नेपाल चले गए थे। वहां घर पहुंचने पर घटना के बारे में उनको पता चला। उन्होंने बताया कि घटना होने पर पुलिस उनकी पत्नी व बेटी को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज जाने को कही। मुझे पता चला कि तो मैं भी लड़के को देखने जा रहा हूँ। आइए जानते हैं इस विषय में घायल के पिता लालचंद ने आगे और क्या कुछ कहा। कराने वाले क्या घटना घटी है? घटना ही दो प्राणी में झगड़ा हुआ था, तो हम चले गए थाने दिखाने, तो सूचना मिला कि लड़का गठी काट लिया है। आपका लड़का था? हाँ। कहाँ गला काटा हुआ? थाने में। पुलिस वाले बुलाए थे क्या किसी मामले में? दोनों को बुलाए हैं पुलिस वाले। तो आपको क्या सूचना मिली? बस हमको पुलिस वाले कहा कि जाइए आप मेडिकल कॉलेज तुरंत। कब मिली है सूचना आपको? तुरंत थोड़ी देर पहले, अभी अभी आप आधा घंटा पहले। घटना कितने देर पहले की बात है? घटना तो हमारे समझ से एक घंटा हो गया। और परिजन भी लड़के के साथ गए हैं अभी? और परिवार गए हैं। तो किस औरत गई? हमारी औरत। आपका लड़का था, क्या नाम था उसका? दीपक। दीपक नाम था। दीपक उम्र कितनी रही होगी? होगा उम्र, तीन लड़के के बाप है। अच्छा, मतलब पत्नी से विवाद के चलते थाने पे तहरीर दी थी उसकी पत्नी? शिकायत की थी क्या उसकी पत्नी? शिकायत हुआ होगा तभी तो आई है, तभी तो। ठीक, पुलिस मौजूद थी वहाँ? हाँ पुलिस मौजूद थी, पुलिस वाले बुलाए हैं तुरंत, तो गया है तेईस में। तो आपको ये जानकारी है किस बात को लेकर आखिर इस तरह कर लिया घटना? ये तो हमको नहीं जानकारी, तोड़ मोड़ हुआ था, दोनों प्राणी बस चल रहा था। ये आज दिनांक 27 मई 2024 को थाना कुलवी निवासी श्रीमती रुक्मणी द्वारा थाने पर प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें उनके द्वारा यह अवगत कराया गया कि उसके पति दीपक मधेसिया द्वारा अन्य लड़कियों से संबंध होने के कारण उसके साथ वे मारपीट की घटना कारित करते तथा उसे अत्यधिक प्रताड़ित करते हैं। प्रार्थना पत्र का संज्ञान लेते हुए थाना पुलिस द्वारा दीपक को अवगत कराया गया। दीपक स्वतः थाने पर आया तथा पारिवारिक मामला होने के कारण पति पत्नी आपस में परिसर में ही अलग हटकर बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान दीपक द्वारा अपनी जेब में रखे ब्लेड को निकालकर अपनी गर्दन पर वार किया गया। वहां मौजूद पुलिसकर्मियों द्वारा तत्परता से ब्लेड को अपने कब्जे में लेकर घायल दीपक को अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां डॉक्टर द्वारा इसकी स्थिति ठीक बताई गई तथा उसे डिस्चार्ज भी बाद में किया गया। इस पूरे प्रकरण में थाना पुलिस द्वारा दीपक के परिवारजनों को भी सूचना दी गई। परिवारजनों द्वारा यह अवगत कराया गया कि पूर्व में भी दीपक द्वारा इस तरह की घटना कारित की जा चुकी है तथा उसने पहले भी अपने हाथ के नस को काटने का प्रयास किया था। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण उसका इलाज ओपेक अस्पताल में भी चल रहा था। इस पूरे प्रकरण को देखते हुए क्षेत्राधिकारी फरेंदा तथा प्रभारी निरीक्षक कुलवी को निर्देशित किया गया है कि इस पारिवारिक प्रकरण के दृष्टिगत इसमें नियमानुसार अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज़ भारत।